पास बेटियां हैं भाई साहब, उनके पास बेटियां नहीं है, इसीलिए मैं आर है। जो तानाशाही सरकार है, चाहे मेहर साहब हो चाहे कमिश्नर साहब हो, उनके पास बेटियां नहीं है। कल मुझे भी रोना आया जब उस बुजुर्ग ने कल रोया था, ये शर्म की बात है। मैं इधर आ गया प्रेस कॉल ने एसएमसी के गेट पर धरने पर बैठ गया था, मैं आ गया था कि कमिश्नर साहब के मिलूंगा, मगर बदकिस्मत की वजह से कमिश्नर साहब नहीं मिला के गेट के बाहर। क्यों, क्या वजह? आउज बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारे रेडियो वालों और छापे वालों के साथ जाती हो रही है, मैं कड़ी शब्दों में उस पर मजम्मत करता हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने इस धरती पर इसलिए भेजा है, जहाँ जहाँ हमारे गरीब मजलूमों के साथ जुल्म चल रहा है, ये बबर शेर एक वादा दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को कि जहाँ जहाँ जुल्म चल रहा है ये बबर शेर मिटाते रहेंगे। मुझे कभी ये बर्दाश्त नहीं है हो जाएंगे कि मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब और मेयर साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ। जो बड़े बड़े लोग है, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। गरीब मजलूमों के साथ जाती हो रही है। जो पीजी करके डिग्री करके आज रेडे चलाते हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनका कोई सहारा नहीं है, उनको कल उनके साथ जाती हो रहा है, उस पर मैं कड़ी शब्दों में मजम्मत करता हूं। कल वीडियो वायरल हो गया एक ऐसे शख्स का, बुजुर्ग शख्स का, जो चलाते हुए ये सामने आया कि मेरी चार बेटियां हैं, मेरा सामान छोड़ो। आप उसको कैसे देख सकते हैं? और उसके बाद एसएमसी जुनैद मट्टू साहब का एक बयान आता है, उसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लग रहा है जो सरकार है, जो तानाशाही सरकार है, चाहे मेहर साहब हो चाहे कमिश्नर साहब हो, उनके पास बेटियां नहीं है। कल मुझे भी रोना आया जब उस बुजुर्ग ने कल रोया था, ये शर्म की बात है। मेरे पास बेटियां हैं, उनके पास बेटियां नहीं है, इसीलिए मैं आज इधर आ गया प्रेस कॉल ने एसएमसी के गेट पर धरने पर बैठ गया था। मैं आ गया था कि कमिश्नर साहब के मिलूंगा, मगर बदकिस्मत की वजह से कमिश्नर साहब नहीं मिला था इधर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तानाशाही सरकार कब तक चलेंगे, ये गुंडा राज सरकार कब तक चलेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं है, ये सरकार जल से जल डूब जाएंगे। अगर आपकी बात ये बात नहीं मानी गई, कब तक मोहम्मद शफी पीरजादा एसएमसी के गेट के बाहर बैठेंगे और क्या मुतालबा है? जब तक उनका मसला मसाइल हल नहीं हो जाएगा, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। कुछ भी हो जाएंगे, अगर मुझे खून भी कतरा कतरा भी देना पड़ेगा, मैं खून का कतरा कतरा देने के लिए तैयार हूँ, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। डिमांड है मोहम्मद शफी की? मेरा डिमांड ये है, हमारे छापी फरोश वालों को और रेडी वालों को इंसाफ मिलना चाहिए, बात मुझे यही चाहिए। नहीं चाहिए ना मुझे वोट चाहिए, ना मैं इनके लिए कुर्सी चाहिए। जो आज कमिश्नर साहब या मेयर साहब कुर्सी के लिए ऐसा कर रहे हैं, मैं तो वो कुर्सी के लिए नहीं निकला हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले एक साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।